गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर फ्रेंड्स। और इस समय मैं हूँ ऑन द वे टू मैसूर। यस, हम लोग जा रहे हैं मैसूर के लिए फ्रॉम बैंगलोर। मेरे साथ मेरे दो बहुत बहुत अच्छे दोस्त, शायद आपने पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, एच एम वाले में दोनों थे, बरजिंदर सिंह और यहाँ पर है जतिन खुराना। अगर आपने एच एम वाला ब्लॉग नहीं देखा हुआ है, एच एम मतलब एट एंड हाफ मैराथन वाला, तो प्लीज़ उसको देखिए, जाइए देखिए, उसमें मैंने दोनों के बारे में बताया हुआ है। ये दोनों ही मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं और अभी हम लोग रुके हुए हैं बीच में कहीं, तो मैसूर से शायद 55 या 60 किलोमीटर पहले। और नारियल पानी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो शायद आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए इंस्टाग्राम फॉलो करिए, क्योंकि ब्लॉग यानी कि ट्रैवलिंग वीडियो लेट आता है, बट मैं स्टोरीज अपलोड करते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पर भी सेम आईडी है, एडीवेंचर सिंह, ओके, ADY। सो बेसिकली मैं जो राइड कर रहा हूँ, आई एम राइडिंग द पीस BMW की 310 GS। लेके अब मैं ट्रैवल करूँगा तो एक टेस्ट राइड भी हो जाएगी, साथ में एक राइड भी कम्प्लीट हो जाएगी। एंड अभी तक तो ये बहुत बहुत मस्त जा रही है, मतलब पिकअप एकदम मस्त। तो चलिए फिर अब चलते हैं। नारियल पानी का ब्रेक हो चुका है मैसूर, आई थिंक यहाँ से 50 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो फिर चलिए एंजॉय करिए मेरे साथ इस राइड को। हम लोग जा रहे हैं मैसूर दशहरा फेस्टिवल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ का फेस्टिवल होता है। तो आज और कल हम लोग रहेंगे मैसूर में फॉर दशहरा फेस्टिवल, उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे कूर्ग के लिए, और उसके बाद हम लोग जाएंगे चिकमंगलूर। तो पूरा ट्रिप जो है बेसिकली डिवाइडेड है, ज़्यादा कुछ प्लानिंग तो नहीं है, बस जाना है, घूमना है, एक्सप्लोर करना है और वापस आना है। एंड बल्ली इज ड्राइविंग इज CBZ। अभी हम लोग रुके हुए हैं, मेरा नाम क्या है? अडिगास सर की वो जगह है, वहाँ पर रुके हुए लंच करने के लिए। इस समय बज रहा है 3:15, आई थिंक बाय 4:30 बाय 4:30 वी विल रीच मैसूर। तो होपफुली देखते हैं, डिपेंड्स व्हेन वी लीव। अभी खाने का कुछ समझ में नहीं आता, मैंने पाव भाजी ऑर्डर किया है, इसमें पाव भाजी किया है, इसमें थाली किया हुआ है, ये वो थाली है। साउथ में थोड़ा प्रॉब्लम है खाने का, अभी वाला कड़क नॉर्थ इंडियन। और अब हम आ चुके हैं जिंजर मैसूर में, और मैसूर पैलेस के बहुत ही पास है, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर, राइट, which is around 5 minutes drive from here and 17 minutes walk from here. Walk from here? Yeah, I have checked it on Google. Achha, theek hai. Hello guys, chai pilo. Hello guys, hello friends. Hello friends, chai pilo. Hello friends, chai pilo. To chaliye fir, milte hain thodi der mein. Ab hum hotel se wapas aa chuke hain aur ja rahe hain flower show ke liye. Flower show? It's flower show. भैया मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, ओके, तो चलिए देखते हैं फ्लावर शो में क्या है भाई। लाइट अच्छी है, अच्छा दिख रहा होगा, राइट, अभी आके लाइट ठीक है, अभी आके। आज मौसम बड़ा अच्छा है और मैसूर के बाहर और मैसूर में काफ़ी बारिश हुई है, तो इट्स गुड, थोड़ा मज़ा आएगा घूमने में, और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, और अब एंटर कर रहे हैं फ्लावर शो में। और ये देखिए कितने सारे फूल हैं, और साथ में कीचड़ भी है।
सो बेसिकली ये लोटस टेम्पल है और लोटस टेम्पल में लगे हुए हैं 4 लाख रोज, वो सारे सफ़ेद गुलाब हैं जो आप देख रहे हैं। तो 4 लाख गुलाब लगे हुए हैं इसके अंदर और इसकी हाइट जो है वो 18 फीट है, डायमीटर 50 फीट है। वाओ, दैट्स लुक अमेजिंग, अमेजिंग, रियली अमेजिंग। जनता हाँ बेटे उखाड़ ले उसी को उखाड़ ले। हम लोग आए हैं मैसूर में मिर्ची भज्जी खाने के लिए, हम लोग आए हुए हैं मिर्ची और भज्जी खाने के लिए जो यहाँ का पारंपरिक खाना है। अभी ये तो भोपाल में ही मिलता है यार, ये देख लो पापड़ देख लो आप, पापड़ मतलब जबलपुर से यहाँ पर ये खाने आए। अरे ये अच्छी भज्जी नहीं है, ये वैसे बनाना भज्जी है, अंदर इसमें रॉ बनाना है, गिर भी रहा है। अरे भाई जब डर लगता है तो बैठते क्यों हो। और मैसूर दशहरा फेस्टिवल में आपका स्वागत है। दशहरा फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्यों फेमस है, पूरे मैसूर शहर को जो है लाइटिंग से सजाया जाता है और यहाँ पर राजा की सवारी निकलती है उसी के लिए। और आप खुद देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से चौराहों को भी सजाया गया है, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये भी एक सर्किल है जिसको लाइटिंग सजाया गया है। और यहाँ पर सर स्माइल कर रहा है कि मैं डिस्क्राइब करता है, इनका नाम क्या है, तो काफी मानते हैं लोग राजा जी को, राजा जी की मतलब अभी जाएंगे मैसूर पैलेस तो आपको दिखाएंगे उनका जो पैलेस है, गया हुआ हूँ दिन में लेकिन रात में नज़ारा बहुत मस्त होने वाला है। तो चलिए फिर चलते हैं मैसूर पैलेस की तरफ। इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर एनी सिटी देन यू शुड एक्सप्लोर इट ऑन योर फुट और मे बी बाइसिकल, बट राइड करके ड्राइव करके बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। हम लोग बाइक जो है उसको पार्क करके आ गए हैं एंड राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द होल सिटी ऑन अवर फुट ओनली। बेसिकली हमारे होटल से मैसूर पैलेस पास था तो मैसूर पैलेस आ गए हैं। आई थिंक दिस इज सेकेंड टाइम वी आर विजिटिंग द मैसूर, बट हम लोग जब दिन में आए थे पहली बार उतना हैपनिंग नहीं था। अभी दशहरा पर एकदम बहुत बहुत अल्टीमेट लग रहा है, मैंने बहुत सुना था, इट इज़ वर्थ रियली, मैंने बहुत सुना था कि दशहरा मैसूर का बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने के बाद समझ में आ रहा है कितना ग्रैंड है, लाइटिंग पूरा शहर लाइटिंग से भरा हुआ है। और अभी आपको आप जब मैसूर पैलेस देखेंगे उसकी लाइटिंग देख के इतना आपके होश उड़ जाएंगे रियली। मतलब यार मैसूर दशहरा फेस्टिवल हमने सिर्फ सुना था कि अच्छा होता है लेकिन आज देख लिया वाकई में तो बहुत, आई डोंट नो कि जिस दिन दशहरा होगा उस दिन क्या होगा। आज जो है 17th October 2018 और आज के दिन जब इतना हैपनिंग है तो मुझे नहीं पता कि 19th October जिस दिन दशहरा है उस दिन क्या होने वाला है, बट हमारे प्लान्स कुछ और हैं तो मे बी सम टाइम वी विल अटेंड द प्रोसेशन ऑल्सो, बट आज इसी को देख के मन भर गया है अल्टीमेट। मैसूर पैलेस के ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ और अगर आप देख रहे हैं तो मेरे उस साइड में वो जो है वो एक मेन गेट है, वहाँ से एंट्री होती है और इधर आते हैं। और अब मैं आपको दिखाने ले आ रहा हूँ मैसूर पैलेस का वो ज़बरदस्त नज़ारा जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, बट इसकी बात ही कुछ और है, इसकी तो बात ही अल्टीमेट है। आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये आवाज़ वदाली ब्रदर्स की है जो कि बहुत ही अच्छे सूफी गाने गाते हैं और आज उनका यहाँ पर प्रोग्राम है लाइव, वही प्रोग्राम आज कोइंसिडेंटली हमें मिल गया है और बहुत बहुत ही शानदार प्रोग्राम ये जा रहा है।
टुडे वी आर डन विद अवर मैसूर ट्रिप एंड आज का दिन इसी के साथ ख़त्म करते हैं. आज मैसूर वाला जो पार्ट था वो पूरा ख़त्म हो चुका है. अब कल जो है मींस नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा यहाँ से मेडिकेरी का. तो कल यहाँ से निकलेंगे मेडिकेरी के लिए फिर. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं. सब्सक्राइब भी कर देना. सुन लिया ना आपने. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर नए हैं तो पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ. और बाकी सब बढ़िया है. सो इसी के साथ हम लोग लेते हैं अलविदा. बाय बाय. गुड बाय. भाई तू अच्छा लाइट ऑन कर. ते अपने नहीं.